सबसे ज्यादा बदमाशी किसी भी मुख्यमंत्री के शासन में प्रदेश में हुई तो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए। रेप के मामले बढ़े, डकैती लूट बढ़ी, आज आकर ये कहते हैं अभी बदमाश प्रदेश छोड़ दे। इनसे पूछो तो नहीं, 4.5 साल उन बदमाशों को सह देने का काम क्यों किया, क्यों प्रदेश के हालात ऐसे बद से बदल। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आज दुष्यंत चौटाला पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि जेजेपी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही चौटाला ने सीएम खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम ने अपने कार्यकाल में बदमाशों को पनाह दी है। चौटाला ने कहा कि बीजेपी के राज में लूट, मर्डर, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव की हार के बाद फिर से दुष्यंत चौटाला विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। आज पानीपत पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की गई। वहीं दुष्यंत चौटाला ने सीएम पर जुबानी हमले किए। हाल ही में सीएम के बदमाशों पर दिए गए बयान पर चौटाला ने कहा कि 4.5 साल बीत जाने पर अब सीएम साहब बदमाशों के सफाई की बात कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सबसे ज्यादा बदमाशी अगर किसी के कार्यकाल में हुई है तो बीजेपी के कार्यकाल में। रोजाना लूट, खसोट, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती जा रही है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके पिता की छवि धूमिल करने के लिए एक अखबार में अजय चौटाला के बैरक में नशे की चीज मिलने की खबर छापी गई थी। दुष्यंत ने कहा कि वे अखबार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर अखबार ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुष्यंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के नेताओं में अहंकार आ गया है। चौटाला ने कहा कि अब की बार विधानसभा चुनाव के नतीजे 1984 जैसे आएंगे। चप्पल से चाबी के अपने निशान पर चौटाला ने मुस्कुराते हुए कहा कि चुनाव निशान तो चुनाव आयोग ने दिया है, हमने तो अप्लाई किया था। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले उन्हें जीत की चाबी दी है। विधानसभा अलग परिस्थिति में लड़े जाएंगे और विधानसभा की जब बात करी जाएगी तो लोग फिर मुख्यमंत्री और उनकी टीम को देखकर वोट का आंकलन कर रहा हूँ। हमने उस अखबार को ऑलरेडी लीगल नोटिस भेज दिया है, आज उनने क्लैरिफाई किया, मगर उनने गलत न्यूज़ के लिए सॉरी फील नहीं करी। मैंने तो पहले दिन भी कहा था कि कई लोग अपनी टीआरपी के लिए ऐसी चीज़ें छापते हैं, और आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया गया, चाहे किसी दबाव में किया गया चाहे जानबूझकर किया गया, उसके खिलाफ अगर वो अखबार सॉरी नहीं रिटर्न में फील करता तो हमें लीगल एक्शन भी आगे लेना। सर, आपका बयान था 47 से 4 पे आएंगे तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा जनता का प्यार है और इसको ब्याज मुक्त करके चुकाएंगे, हम 75 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, उस पर क्या कहना है? तो मुख्यमंत्री के बयान पे ही कह रहा था, जो आज घमंड आया है, एरोगेंस आया है, लोगों को धक्के मारने लगे फोटो खिंचाते हुए, को ये साबित कर देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जमीन से जुड़ी पार्टी मानती थी उनके नेताओं में दिन प्रतिदिन एक अहंकार आने लग गया, और हरियाणा की जनता ने जहाँ उनको 4 से 47 पहुँचाया था उस अहंकार को भी तोड़ेगी और दोबारा 4 पे लाने का काम। सीएम ने कल बयान दिया कि बदमाशी या प्रदेश छोड़ दे, ये चुनाव से पहले स्टंट है। सबसे ज़्यादा बदमाशी किसी भी मुख्यमंत्री के शासन में प्रदेश में हुई तो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए। रेप के मामले बढ़े, डकैती लूट बढ़ी, आज आकर ये कहते हैं अभी बदमाश प्रदेश छोड़ दे। इनसे पूछो तो नहीं, 4.5 साल उन बदमाशों को सह देने का काम क्यों, क्यों प्रदेश के हालात ऐसे बद से बदल। आने का जो वादा जो नायक जनता पार्टी ने था उसके ऊपर एक ग्राउंड लेवल पर तैयारी एक एक साथी करें कि राज बनने के पहले दिन पेंशन की हम व्यवस्था कर पाए, और तीसरा कर्ज मुक्ति। आज हर प्रकार से छोटा जमींदार है, छोटा दुकान चलाने वाला व्यापारी है, रेडी वाला है, आज उसके ऊपर 20-50 हज़ार रुपये का कर्जा है। और हमारा वादा है कि जिस दिन प्रदेश में सरकार बनेगी पहली कलम से उसको कर्ज मुक्त किया जाएगा। इसी प्रयास को लेकर 100 दिन का लक्ष्य जो परिवर्तन का है लेकर हम मैदान में उतरे हैं, और एक एक साथी इस प्रयास में है कि नया हरियाणा उज्ज्वल हरियाणा बने, उसके लिए जननायक जनता पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। सर, नई तैयारी 90 के 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने, हमारे साथ ऑलरेडी एक सहयोगी है जिसने मिलकर साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, और हम तो मजबूती के साथ उनके साथ खड़े भी हैं और आगे चले। सर, निशान बदलने की नौबत क्यों आई, चप्पल का निशान? इलेक्शन कमीशन की प्रोमिस का जवाब, हमने तो अपनी ओर से 5 सिंबल अप्लाई किए,
पिछली बार 10 किया था उसमें चप्पल मिली थी, इस बार 5 किया उसमें चाबी मिली। और हम तो ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा से पहले चाबी दी है तो ये हरियाणा प्रदेश की खुशहाली की चाबी है, चंडीगढ़ की सेक्रेटरीट की चाबी है, और चौथे मंजिल में जो दफ्तर है वहाँ आम आदमी को पहुँचने का अधिकार मिले उसकी चाबी। और इससे चाहे युवा को रोजगार मिलेगा, महिला को सुरक्षा मिलेगी, व्यापारी को समृद्धि मिलेगी, किसान को खुशहाली मिलेगी, अधिकारी को कर्मचारी को उसके अधिकार मिलेंगे, वो सब की चाबी जननायक जनता पार्टी।